सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ, यू नो वेरी वेल अबाउट मी गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल द यूनिटी एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सौरभ। एंड आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि से पोज जो हर फोटोशूट में अच्छे लगेंगे, हर एज वाले बच्चों को अच्छे लगेंगे, उसमें बड़े हों छोटे हों वट एवर जो मर्जी है सो उनके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि 11 से 12 पोज जो बिल्कुल सिंपल, जिसमें आप चेयर भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप ज़मीन भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप हर चीज़ तरीके से बताऊंगा कि हर त्रोड़ मरोड़ के बताऊंगा कि किस तरीके से आप पोज दे सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। और बाकी अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप जा सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वहाँ पे भर भर के पोजेस की फ़ोटोज़ हैं, भर भर के वीडियोज़ हैं, जाओ चेक करो। मैं यहाँ पे DM मेंशन कर दूंगा कि कौन सा मेरा अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। और चलो लेके प्रभु का नाम करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, सो माय ऑडियंस, सो माय लवली ब्रदर सिस्टर एंड एवरीवन, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहला पोज अगर आप सोफे के ऊपर बैठे हो तो आपको कैसे देना है। कोशिश करिए कि जो आपका ये वाला लेग है, ये वाला लेग यहाँ पे हो, मतलब सोफे से बिल्कुल इस तरफ, और जो ये सेकंड पोज है, सेकंड पैर है ये आपको इस तरफ बिल्कुल स्ट्रेट, ये वाली चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट, और ये ऐसे, और ये वाला हाथ जो आपकी कोहनी है यहाँ पे, और ऐसे ये वाला हाथ ऐसे, फिर आप ये वाला हाथ यहाँ पे रखिए और ऐसे, यहाँ पे आपको कोशिश करने इस्तेमाल दीजिए सीरियस फेस दीजिए या एटीट्यूड वाला फेस, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल आपका एटीट्यूड दिखाते हैं ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पोज के ऊपर, रखना है कि अगर आप सेकंड, अगर आप दूसरा पोज दे रहे हो, मेरा कहने का ये था कि दूसरा पोज, तो पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है, ये वाला पैर इसके ऊपर रखना है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके कोई भी डायरी होगी, कॉमिक्स होगी, जो आपको सबसे अच्छी लगती है, उसको ऐसे खोल के ऐसे रख लीजिए और ऐसे, और ये कोशिश करिए ये वाला हाथ यहाँ पे हो, अंदर हो, अंदर हो, या फिर यहाँ पे हो, या फिर ऐसे हो कुछ, ठीक है। तो ये भी आपको एक अच्छा सा लुक देगा। अगर आप किसी सेलिब्रिटी को देखते होगे तो ये पोज बहुत कॉमन है और ये सबसे सेक्सी पोज लगते हैं मेरे को, ठीक है। और कोशिश करिए कि इस तरीके का कोई पोज दीजिए, फेस एक्सप्रेशंस, आपके आई कॉन्टैक्ट, हमेशा कई बंदे होते हैं कि जो ना ऐसे ले लिया और ऐसे देख रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं, आईज हमेशा इसके अंदर डायरी के अंदर होनी चाहिए, ताकि ये लगे कि आप कुछ रीड कर रहे हो, किसी ने रैंडम क्लिप कर दी तो दैट्स इट, ये अच्छा एक अच्छा बेस्ट वो है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आपके पास एक गूगल होना चाहिए, लेकिन गूगल की भी एक स्पेशलिटी होती है, बहुत सारे जो बंदे होते हैं गूगल्स को ना, या तो बहुत छोटा रखते हैं, या फिर बहुत बड़ा रखते हैं, या गोल सर्कल वाला रखते हैं, वो मेरे को, मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि वो थोड़ा सा ना वो गर्ल्स पे ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे गोल वाला हो गया और ये वाला, आपको ऐसा लेना चाहिए, ठीक है, और ये ना जोर से ज़्यादा बड़ा ना छोटा, इसको लगाओ तो आपको बिल्कुल क्लासी सा लुक देगा, और मुट्ठी को कर लो बंद, और ये वाली चीज़ जहाँ से ग्रिप बना लो, और ऐसे इस तरीके कुछ पोज दीजिए, क्योंकि नहीं जैसे मैंने ये किया, ठीक है, ये होते हैं कुछ रैंडम्स क्लिक करना, कि आप किसी बंदे को बोल सकते हो कि भैया आप मेरे को मेरी पिक क्लिक कर दो, लेकिन कुछ आप कोई भी एक्टिविटी करते रहो और वो आपकी पिक क्लिक कर देगा, वो फोटोज भी बहुत अच्छी आती हैं, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट वन, आपको एक काम करना है, जैसे कोई भी एक कप ले लिया, उसको पकड़ के, जैसे आपने ऐसे पकड़ लिया, कॉफ़ी पी रहे हो, या यहाँ पर रख लिया ऐसे 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 ऐसे, और फॉर एग्जाम्पल ऐसे बैठ के, ऐसे बैठ के, या फिर आप एक काम कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने रख लिया ऐसे ऐसे बैठ के,
ऐसे बैठ के है ना, ये आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। आप पता है होता क्या है, सॉरी मेरी वायर थोड़ी सी हो गई थी, कोई बात नहीं। पता है होता क्या है कि हमारे पास हर चीज़ होती है लेकिन हम उस चीज़ का नहीं फ़ायदा उठाते यार। फॉर एग्जांपल घर में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैग हो गए, ऑफिस बैग हो गए, है ना, इन चीज़ों का यूज़ करें फ़ोटोशूट्स के अंदर। अभी मैं तो हे गाइस फाइनली मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ, अगला पोज बताता हूँ। आपको करना क्या, आपको एक फ़ोन रखना है, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, जैसे बात करते करते स्माइल कर रहे हो, ऐसे कोई पोज हो गया है ना, या फिर इस तरीके के आपको फ़ोन का यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि और मतलब कि यह भी एक अच्छा लगता है, और मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, या मैं खुद बहुत सी फ़ोटोज़ में मोबाइल का यूज़ करता हूँ और अलग एंगल से फ़ोटोज़ लेता हूँ, तो ये भी एक फैक्ट है। अगर आप फ़ोन का यूज़ करोगे तो भी आपको थोड़ा अच्छा सा लुक मिलेगा, है ना। तो आपको कोशिश करिए कि यार आप है ना, आप अपने आसपास की चीज़, बहुत सारे बंदे होते हैं कि यार हरे DM आते हैं कि सौरभ भाई अगर हम फ़ोटो क्लिक करते तो अच्छे नहीं आते, मेल्स आते हैं, DMs आते हैं, बहुत सारे आते हैं कि यार हम पोज देते हैं ना तो अच्छे नहीं आते यार, हम ऐसे खड़े होते हैं, ये यार हमारा फेस अच्छा नहीं आता, हमारी ये चीज़ अच्छी नहीं आती है। तो आपको कोशिश क्या करना है, अगर आप कोई कपड़े डाल रहे हैं तो उसको प्रेस करके डालें, ठीक है, प्रेस करके डालें। सेकेंड थिंग, अगर जो यहाँ की फिटिंग होती है कपड़े फिटिंग में डालें, किसी के जैसे कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा तो इसके इतने खुले खुले होते हैं, वो भी एक अच्छा नहीं लगता। आप अपने एक बॉडी पे ध्यान रखें कि आपका फिजिक अच्छा हो। दूसरी बात, कोशिश करिए, बहुत सारे बंदे होते हैं ऐसे फ़ोटो क्लिक करने चले जाते हैं, जो ये वाली चीज़ होती है आपकी बियर्ड सेट होनी चाहिए, जो आपके जो ये फेस कट है ये अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना इन द सेंस कि भाई जब भी आप कहीं पर फ़ोटो क्लिक करने जाते हो बियर्ड को सेट करके जाएँ, हेयर स्टाइल को सेट करके जाएँ। कोशिश करिए कि जितना सिंपल होता है ना, कई बंदे होते हैं जो जिनके बाल यहाँ से बड़े होते हैं, यहाँ से बड़े होते हैं, और मतलब किसी किसी पे कई चीज़ें सूट नहीं होती, जो आपके ऊपर सूट हो वो चीज़ करें, ना कि आपने बाल बड़े कर लिए, यहाँ से बाल घुमा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मेरी जान अगर आप ऐसा करोगे ना तो लोग आपको चूतिया बोलेंगे। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, आपको लोग चूतिया बोलेंगे, क्योंकि यार कई चीज़ें नहीं सूट होती हैं, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप है ना थोड़ा सा सिंपल एंड सोबर लगे, दैट्स इट। भूल गए आपको कि जब भी आप फ़ोटो शूट करने के लिए जाते हैं, फ़ोटो क्लिक करने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मेरे भाई आपको है ना प्रॉपर एक प्लेस पे जाके क्लिक करें, एक बैकग्राउंड देखें कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका बैकड्रॉप कैसा है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर ली, कल भी मैं यहीं पर क्लिक कर रहा हूँ, तो लोग ना इरीटेट हो जाते हैं कि रोज़ के रोज़ एक जैसी फ़ोटो है, रोज़ के रोज़ एक जैसे कपड़े। मतलब कि कोशिश करें कि ना थोड़ा सा चेंज लाएं, मतलब कि अगर आपने जीन्स डाल रखी तो उसके ऊपर टी शर्ट डाल लीजिए, अगर टी शर्ट डाल रखी है तो आप उसके ऊपर मतलब कि सैंडो डाल लीजिए, शर्ट डाल लीजिए, टी शर्ट डाल लीजिए, हुडी डाल लीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से थोड़ा चेंज करके दिखाओ, और कोशिश करो कि है ना एक ही बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड ना यूज़ करें, यह भी एक फैक्ट है। सो गाइस मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब भी आप फोटो क्लिक करते हैं या पोज देते हैं, ठीक है, तो कोशिश करिए कि जो आप है ना, जो आपका जो बंदा फोटो क्लिक कर रहा है, जो आपका कैमरामैन है, उसको बोलिए कि भाई आप है ना मेरी बिल्कुल सामने से फ़ोटो ले रहे हैं, वो ऐसा मत करो, आप यहाँ से भी फ़ोटो लो, यहाँ से ही फ़ोटो लो, इस एंगल से भी लो, इस एंगल से भी लो, नीचे से भी लो, ऊपर से भी लो, ठीक है, फ़ोटोज़ कुछ और नहीं, ठीक है, फ़ोटोज़ की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे बंदे हैं जिनके दिमाग में ऐसे ऐसी बातें आ जाती हैं, तो मैं बोल रहा हूँ फ़ोटोज़, ठीक है, तो यहाँ से भी लो, इस एंगल से भी लो, ठीक है। और कोशिश करो अगर आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आ जाती हैं तो मेरे को बताना जरूर इसमें कमेंट करके कि भाई ऐसे ऐसे आपने बताया था तो अच्छा है, ठीक है। और भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाता हूँ, मतलब बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा फेस से रिलेटेड, आप फेस को कैसे अच्छा रख सकते हैं, हेयर्स को कैसे अच्छा रख सकते हैं, तो उसके लिए अगर आपको वीडियो देखनी है तो वीडियो कर दो सब्सक्राइब और साथ में दबा दो बेल आइकन, समझ गए ना।